नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव के बस स्टैंड के पीछे एक मोहल्ले में दो परिवारों के बीच में बच्चों को लेकर आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि हाथापाई की और मारपीट की नौबत आ गई। इस मामले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। एक महिला के सिर में 35 टांके भी आए हैं। जानकारी के मुताबिक ढीमर मोहल्ले में रहने वाले मंगल वाल्मीकि और मंगल की पत्नी राजू वाल्मीकि का 18 अगस्त की शाम 4 बजे अपने ही मोहल्ले के पवन वाल्मीकि, गोलू वाल्मीकि और शिवम से बच्चों के विवाद में झगड़ा हो गया, जो कि मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में मंगल वाल्मीकि और उसकी पत्नी राजू वाल्मीकि को गंभीर चोट आई है। मंगल की पत्नी के सर में 35 टांके आए हैं, साथ ही दूसरे परिवार की एक महिला का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। दोनों परिवारों के घायलों की एमएलसी कराई गई। मंगल वाल्मीकि का कहना है कि पुलिस उनके कहे अनुसार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। इस मामले में नौगांव टीआई के कनेजा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों के लोगों को मारपीट में चोटें आई हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ कर जांच की जा रही है। छोटा वाला लड़का था, सब खेल रहा था तो उसको भी गाली देने लगी लड़के ने, वो सुजल और पवन उनके बच्चे गाली देने लगी। हमने उनसे शिकायत करने गए तो बस वो एकदम से हम अपने बच्चे को लगा लाए, ऊपर से भी हावी हो गए, सीधे आए तो भी मानने लगे। उसने शिकायत की, उसके बच्चे ने गाली दी तो उसने कहा कि चल ठीक है जा, अबे इतनी बात हुई। पवन का लड़का सुजल आया और उसने मेरी पत्नी को दो चांटे मार दिए। जब उसने दो चांटे मार दिए तो मेरा बच्चा है गुस्से में लिपा गया। इसके बाद गोलू, सुजल, पवन और शिवम तीनों लोग पाइप, डंडे, लाठी लेकर आए और धड़ाधड़ पीटने लगे। इनके एक विरोधी कल आई थी, पीड़िता वो थाने उसका भी हाथ टूटा था, उसकी भी मदद, उसका भी कायमी कर दी गई है और आज इनकी भी रिपोर्ट से मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया।